अच्छा, ये कल्चर दो से तीन फैक्टर से होता है। एक ओवरऑल क्वालिटी कॉन्शियसनेस जब आप देते हैं उसमें, दूसरा स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी उस वक्त होती है जब ट्रेसेबिलिटी हो। अब ट्रेसेबिलिटी हो ही नहीं रही तो बंदा पकड़ा कैसे जाएगा। मैं आज से 25 या 20 साल पहले एक ट्रेनिंग देने की, अब आपने सवाल किया ट्रेसेबिलिटी से, मुझे याद आया, और कंपनी का नाम था पाकिस्तान टबैको। तो कहते हैं हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि सिगरेट के अंदर से वो निकल गया, क्या होता है जनाब, तंबाकू। तो कहते हैं हमने इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया कि वो सिगरेट जिस शख्स ने जिस दिन किया है हम उसको पकड़ लेते हैं, पहले नहीं था वो। कहते हैं जब हमने ट्रेसेबिलिटी बढ़ाई तो मैंने कहा कैसे बढ़ाई, कहते हैं हमने हर डब्बी के ऊपर 8 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। पहला डिजिट है किस तारीख और किस महीने में हुई, दूसरा है किस फैक्ट्री, दो फैक्ट्रियों में से किस फैक्ट्री में हुई, फिर तीसरा है किस शॉप फ्लोर पे किस शिफ्ट में हुई, और चौथा ये है कि कितने बजे हुई। कहते हैं वहाँ से उस बजे की ड्यूटी से हम बंदे को पकड़ लेते हैं। तो अगर आप ऐसा ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम ले आते हैं तो बादशाह सलामत कल्चर आ जाएगा, जिंदाबाद के नारे लगेंगे। सर लेकिन ट्रेसेबिलिटी भी है और लोगों को जबकि एजुकेशन भी दे रहे हैं कि यार ये देखो गलती हुई है, आपने करी, फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दें, दो दिन के बाद वो फिर वही काम करें। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं, उसका फिर एक इलाज है कि इलाज खराज दंता इलाज दंता, जो वो एक शेर है इलामा इकबाल का कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जगर और मर्द नादा पे कलाम नरम नाजिक भी असर। वो हाल मस्त माल मस्त के जो पुजारी होते हैं ना, कहते हैं देखी जाएगी सब चलता है, इदारे का नाम खराब होता है। तो आप ये चार अप्रोचेस को फिर अपने जहन में रखें, ट्रेसेबिलिटी पहला हल है, ट्रेसेबिलिटी दूसरा है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी तीसरा है, कल्चर ऑफ क्वालिटी कॉन्शियसनेस और चौथा है अकाउंटेबिलिटी। इन चारों को हाथ में रखते हैं तो अगला बड़ा मोहतात हो जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जब ये चीज़ नहीं ना आई थी आज से 20 साल पहले, अब इतना मुश्किल हो गया है कि वाईवे का इम्तिहान की डेट नोटिफाई हुई हुई है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक्सटर्नल की परमिशन वाइस चांसलर दी हुई है, उतना लंबा प्रोसेस है, HEC फौरन पकड़ लेती है फाइल देख के कि वाइवा एक्चुअली हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले PhD की डिग्रियाँ भी अवार्ड हो जाती थी, जब HEC आई उसने कहा नहीं जी नहीं, अब तो इसके 25 प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस डॉक्यूमेंट होगा, हर प्रोसेस ट्रेसेबल होगा, हर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा और वेब पे डलेगा, और वेब से आप फिर या ईमेल होगी, उसकी ईमेल हम चेक करेंगे कि आपने 5 प्रोफेसरों को बुलाया और वो प्रोफेसर्स का रेज्यूमे चेक किया गया, वाइस चांसलर ने उसको ओके किया, हर चीज़ ईमेल पे होगी। इस वक्त मैं अपनी स्टूडेंट और टीचर्स की फाइलों में मैं ईमेलों को प्रिंट आउट डालता रहता हूँ ये शो करने के लिए कि जेन्युइन पेज हुआ और वाकई जेन्युइन होता है। अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा और या ट्रेसेबिलिटी के प्रोसेस को मैकेनिज्म को बढ़ाना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, एक चीज़ और है, अभी चूँकि इन्होंने जिक्र किया कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में फ़र्क, हम इंजीनियर लोग अक्सर बेशतर चार चीज़ों को तीन चीज़ों को मिक्सअप कर रहे होते हैं। अब वो उसकी वजाहत इसलिए ज़रूरी है ताकि हम TNA की अगली एक्सरसाइज कर सकें, वो है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फ़र्क और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क। पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज़, IBA के ग्रेजुएट थे। एक दफ़ा एक मुझे मीटिंग में एज ए वज़ीर ख़जाना हमारी यूनिवर्सिटी में आए, तो मैं प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट कोर्स पढ़ाता था, तो मैंने कहा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया से हाफ है और मारुति जो है उसकी प्रोडक्शन प्राइस जो लाहौर में C&F दे रहे थे इंडियन बॉर्डर पे 40% ऑफ है पाकिस्तानी सुजुकी से। ये भी फिगर आज से 12 साल पहले के मुझे मिले थे, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के एडिशनल डायरेक्टर ने मुझे बताया था, एडिशनल सेक्रेटरी ने। तो उसकी वजह गालिबन या यकीनन प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी। तो मैंने उनसे कहा जी आप प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें। तो मुझे शौकत अजीज़ जो IBA के ग्रेजुएट हैं, बड़े हाईटेक प्रोफेशनल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं, उनका वर्ड था पुट मी वाइज ऑन वर्ड प्रोडक्टिविटी। अभी पिछले महीने इमरान खान ने कहा कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है इसलिए गंदम महंगी हो रही है, उसके कमेंट आए। इसका मतलब इमरान खान को पता था, शौकत अजीज़ को नहीं पता था। अब आ जाते हैं अगला कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ फिजिकल थिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड दैट इज़ टेंजिबल, जो नज़र आती है आपको पता चल जाता है कि 100 असेंबली प्लांट में 100 आज गाड़ियाँ हुई हैं असेंबल, ये प्रोडक्शन है। और उसके नीचे 1000 एम्प्लॉई था, 1000 एम्प्लॉई ने एक दिन में 100 गाड़ी असेंबल की, ये प्रोडक्शन थी। अब अगर 1000 एम्प्लॉई 100 के बजाय 150 करेगा तो प्रोडक्टिविटी रेशियो है फिर आउटपुट टू इनपुट, तो 10 के बजाय 15 गाड़ियाँ आ रही हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इसको पैदावारियत कहते हैं। अब पैदावारियत बढ़ाना मसला है हमारा, प्रोडक्शन बढ़ाना मसला नहीं है। आज से 25-30 साल पहले रेडियो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम आता था किसानों के लिए, वो कहते थे
बढ़ाओ के खेत की पैदावार। मैं उस वक्त भी कहता था पैदावार ना बढ़ाएं, पैदावार ये तो बढ़ाएं, पैदावार बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट, जब महंगी चीज़ बिकेगी नहीं और जब पैदावार ही बढ़ेगी तो सस्ती हो जाएगी। 1984 या 85 में एक स्टडी हुई पाकिस्तान में, मुझे रेफरेंस नहीं पता, UET के प्रोफेसर ने मुझे बताया कि पाकिस्तानी गाड़ियां जो असेंबल हो रही हैं पाकिस्तान में वो जापानी असेंबल से महंगी है, उसकी वजह प्रोडक्टिविटी थी। और प्रोडक्टिविटी पे आखिरी मिसाल देता हूँ, बेनज़ीर गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया फ्रांस के साथ, पाकिस्तान में कराची में नेवल डॉक यार्ड में एक सबमरीन असेंबल करने का। तो जब फ्रेंच आए उन्होंने कहा कि हम फ्रांस में एक साल में असेंबल करेंगे, पाकिस्तान में 3 साल में करेंगे। वजह क्या थी कि पाकिस्तान के वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम है। उसमें वो वजह भी है जो आपने कही, काम चोरी, एक स्लग स्टाइल देखी जाएगी, ब्रेक ले लो, बुखार हो रहा है, नमाज का ब्रेक कर लिया, रोज़ा लग रहा है, वगैरह वगैरह, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उसको हम जेरे बहस नहीं लाते। तो प्रोडक्टिविटी रेशियो है आउटपुट टू इनपुट की, जिसको फिजिक्स में हम एफिशिएंसी कहते थे, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी में कुछ और कह रहा हूँ। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पता चल गया हमें, प्रोडक्टिविटी इंटेंजिबल है, प्रोडक्ट